Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 5.2, and this is related to parallel lines, intersecting line, and transversal line. So first of all, we learn about these type of line. Okay. So our topic is pairs of line. Pairs of lines. First is intersecting line. Intersecting line. What is intersecting lines? Two lines which are intersect each other at a point is called intersecting line. Okay. And second is parallel line. Parallel lines. Two lines which are never meet to each other at any point. मीन्स जो एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती है वो क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस होती है. लाइक एज आपने रेल की पटरी देखी होगी, ठीक है. रेल का पाथ जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा पैरेलल लाइन होता है, वो हमेशा पैरेलल चलता है, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करता. अगर करेगा तो वो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है. तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, ईच पॉइंट पर इक्वल होती है, ठीक है. सारे पॉइंट पर ये इक्वल लेंथ होती है यहाँ पे. थर्ड है हमारी ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइंस. वैसे ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों अलग अलग होती है. मैं आपको बता देती हूँ, टू लाइंस हैं, ठीक है, उनको एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. टू लाइंस को वन कॉमन लाइन आप इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ये वाली लाइन कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल. और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है एंड पैरेलल लाइन भी हो सकती है, बट आपके सिलेबस में है वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है. तो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना ट्रांसवर्सल की, वो पैरेलल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो ट्रांसवर्सल का मीनिंग समझ में आ गया, टू लाइन्स को वन लाइन कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है. और ये हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग में पढ़ेंगे. ओके. सो इनकी डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन. लुक, दीज आर टू पैरेलल लाइन. ये एल, ये एम, और ये पैरेलल लाइन है आपकी एक्स. ओके. एल एम, एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का साइन होता है. एल इज पैरेलल टू एम गिवन आपको, और एक्स क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों को एक साथ कट कर रही है. ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है, सॉरी लाइन. सो इनकी जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, वो आपका टॉपिक है. ओके. सो मैं आपको बता रही हूँ इनके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है. ये एंगल वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. ओके. ये एंगल्स में क्या रिलेशन होते हैं, कौन से एंगल को क्या नाम बोलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. What are corresponding angles? Corresponding angles का meaning होता है जो parallel line है, जो पहली parallel line है ना, उसके ऊपर transversal के जिस side जो angle है, वो दूसरी parallel line के भी same side वाले जो angles होते हैं वो corresponding angle होते हैं. जैसे ये parallel line है, ये भी parallel line है, ये transversal है. तो इस parallel और transversal के इस side जो ये angle है ना, तो same side यहाँ पे भी जो ये angle होगा ना, वो क्या होंगे, corresponding angle होंगे, और ये equal होते हैं. इट मीन्स एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव. एंगल टू, एंगल टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड हो जाएगा ये. एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स. एंगल थ्री, ये एंगल थ्री, ये पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, तो ये भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है. और उसके बाद एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट, ठीक है. तो ये चारों हमारे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, एक पैरेलल लाइन के जो साइड होते हैं दूसरी पैरेलल लाइन के भी सेम साइड होना चाहिए, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं. जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना,
वो कौन सी शेप बनाते हैं, एफ की शेप बनाते हैं, वो चाहे आप आपका उल्टा एफ बनाए या सीधा एफ बनाए। तो देखो अगर मैं 3 और 7 को लेती हूँ तो ये क्या एफ की शेप बना रहे हैं, ये देखो ये एफ की शेप बना रहे हैं ना ये वाले एंगल, ठीक है। और ऐसे ही इसमें देखो अगर मैं 1 और 5 लू तो देखो ये उल्टा वाला एफ बना रहे हैं, 1 और 2 ये उल्टा एफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एफ की शेप बनाते हैं आपके। तो फर्स्ट टाइप हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड है आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मीनिंग होता है कि जो जेड की शेप बनाए, देखो लाइक एज अगर मैं यहां से ये वाला एंगल लू और ये वाला, इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 = एंगल 6 होता है। सिमिलरली ये उल्टा वाला जेड एंगल 3 = एंगल 5 होता है। तो ये तो होते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास एक्सटीरियर भी होते हैं, तो एक्सटीरियर में 1 और 7 आ जाएगा एंड 2 और 8 आ जाएगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 7 एंड एंगल 2 = एंगल 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास इंटीरियर में पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ के लेंगे, एक्सटीरियर में पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ के लेंगे, ठीक है। तो और कुछ मीनिंग नहीं है इसका। ये देखो ये इसकी हो जाएगा कि मतलब ये जो जैसे वर्टिकली अपोजिट होते हैं ना, तो थोड़ा उसी टाइप से हो जाएंगे ये, लेकिन अलग अलग पैरेलल पे होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट तो हमें पता है, जैसे 1 और 3 हो गया, 2 और 4 हो गया, 5 और 7 हो गया, 6 और 8 हो गया। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखेंगे, उन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को। लुक सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं, लाइक एज ये ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड, इट मीन्स ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल 3 + एंगल 6 का सम भी 180 होगा। ओके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मीनिंग है जो ये एंगल है ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इन दोनों का सम 180 होगा, उसके बाद इन दोनों का सम भी 180 होगा। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 8 का सम 180 होगा, एंगल 2 और एंगल 7 का सम भी 180 होगा। लेकिन हमारे में सिर्फ इनका फाइंड करना है तो इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आई थिंक इससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होते हैं। एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अगर इक्वल दे रखे हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम आपका 180 आता है तो भी आपकी लाइन पैरेलल होगी। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी लाइन को पैरेलल करने के लिए। सो इनकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फिगर है, इसको देखकर आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज करी है। इफ ए बी इज पैरेलल, इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल आपको गिवन है। एंगल 1 = एंगल 5, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, अभी हमने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इस वाली प्रॉपर्टी से है। इफ एंगल 4 = 6, अगर एंगल 6 के इक्वल है, देन ए इज पैरेलल टू बी, तो ए और बी पैरेलल होंगी। तो मैंने आपको बताया था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज करी है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल. ओके एंड नेक्स्ट इफ 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, इट मीन्स इन दोनों का सम अगर 180 है तो क्या हो जाएगा, देन ए बी इज पैरेलल टू, सॉरी ए इज पैरेलल टू बी. तो ये हो जाएगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन.